नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। धौलपुर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत बोधपुरा में पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच भूप सिंह बघेल ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा उनका निराकरण भी किया। कनिष्ठ सहायक राम बख्श वर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर महीने के पहले गुरुवार को जनसुनवाई राजीव गांधी सेवा केंद्र पर की जाती है तथा आम नागरिकों की समस्या को जानकर उनका उचित निराकरण किया जाता है तथा वे परिवार जो ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र से परे हों उन्हें पंचायत समिति स्तर पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार की जनसुनवाई से आम नागरिकों की समस्या उनके घर के पास ही दूर हो जाती है, लोगों को समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस मौके पर समाज सेवी बच्चू सिंह, दिनेश, भूपेंद्र एवं ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। आज नाम मीटिंग को एक सरकारी कार्यक्रम चला रही है। एक महीना में पहली मतलब प्रत्येक महीना की पहली स्थिति का जनसुनवाई कार्यक्रम है तो आज ना जनसुनवाई कार्यक्रम में मतलब समिति को शिकायत हो गए उनके संबंधित बिजली पानी या ग्राम पंचायत से संबंधित या कोई और शिकायत हो गए तो बाद में नाम लिख के दे सकते हैं। बाद में तुम्हारी को निष्ठान रहेगा नंदे नहीं होगा तो मैं बात शिकायत है वहाँ अधिकारी ने जो पूछा है मतलब ये कहने को कि वो शिकायत तुम्हारी निबट जाएगी तुमने अगर तो शिकायत किया तो तुम बाहर लिख कर ही दे सकते जाके खाएं। सरकार ने ये जनसुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक महीना की पहली विस्तृति को रखा हुआ है। अगर वहाँ विस्तृति खाएँ छुट्टी छुट्टी होती है तो अपने अगली बार के ऐसे ही एक मतलब यहाँ आने के बाद ये जनसुनवाई फिर पंचायत समिति स्तर पर होगी तो वहाँ भी होगी उपकंडा अधिकारी मौजूद जो मीटिंग लेंगे तो मान परिवार हमने प्राप्त होंगे भी हम जिंदे दे देंगे फिर मान जाएंगे नहीं फिर वो सोल्यूशन फिर वो हल नहीं कर पाएंगे। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।